नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों बिहार सरकार के तरफ से बहुत ही बढ़िया योजना चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए। अच्छी बात यह है कि ये जो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ये आपको वापस नहीं करना है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कैसे आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, और किस तरीके से कैंडिडेट को सिलेक्टेड किए जाएंगे, मैट्रिक पास, इंटर पास या स्नातक पास, हर एक जानकारी बताने वाले हैं, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है बिहार सरकार परिवहन विभाग द्वारा। हर एक जानकारी बताएंगे, तो चलिए देर की बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा और हर एक जानकारी बताएंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार के यानी परिवहन विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पे आना हो, जो कि डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, जिस उस पर क्लिक करेंगे परिवहन विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पे चलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो परिवहन विभाग के जो मंत्री है श्रीमती शीला कुमारी है, जो की आपको दिखलाई देगा। यहाँ पे आएंगे तो देख सकते ताजा खबर में आपको फर्स्ट में दिखलाई देगा और दिखलाई देगा बिलिंग कर दबा मुख्यमंत्री परिवहन योजना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसको लेकर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देख सकते मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, आपको इसको लेकर नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और साथ साथ इसको अप्लाई लिंक भी टिप कर दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं, यूपी का ऑप्शन आएगा जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया इसके बारे में समझ लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, ताकि आपको आवेदन करते समय किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे, इसको लेकर जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया बिहार सरकार परिवहन विभाग की तरफ से 23 नवंबर 2023 को ही रिलीज किया गया। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर जो भी मेन टॉपिक है हम आपको वही बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, अगर सभी नोटिफिकेशन पढ़कर बताने लगेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप समझिएगा, आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। बताया गया राज्य में प्रखंड एवं सुदूर पंचायत के जिले के मुख्यालय को जोड़कर हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना लागू की जाती है। ठीक है, यानी कि राज्य में बिहार राज्य के पूरे हर एक जिले में ये योजना चलाई जाती है, यानी राज्य में प्रखंड को सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु परिवहन सुविधा का उपलब्ध कराने हेतु उसी उद्देश्य से यानी मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लागू किया गया है। संक्षिप्त नाम है आराम पर विस्तार दिया गया है, योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ठीक है, पूरे सभी जिलों में इसका लाभ उठा सकते हैं, जो भी कैंडिडेट हैं बिहार के रहने वाले हैं वो लाभ उठा सकते हैं। ये तुरंत प्रवृत्ति हो गई है, ठीक है, लागू भी हो गया। इस योजना के तहत जिला मुख्यालय को प्रखंड को जोड़कर शेष यानी 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात ये आप समझिएगा कि इसमें बताया गया इस योजना के तहत जिला मुख्यालय को प्रखंड को छोड़कर, ठीक है, जो भी जिला मुख्यालय को प्रखंड को छोड़कर बाकी जो बच रहे हैं प्रखंड, जैसे 496 हो गए हैं पूरे बिहार में, और 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा और प्रति प्रखंड के अधिकतम 7 लाभुकों को बस के किराए पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, एक प्रखंड में 7 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, जो की अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, ये समझ लिया, एक प्रखंड में अधिकतम 7 लाभुकों को इसका लाभ दिया जाएगा। लाभुकों को प्रति बस खरीदने के लिए यानी 5 लाख रुपए का अनुदान का भुगतान किया जाएगा और जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटे में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको अपडेट ये है बहुत बड़ी है कि जिस प्रखंड में अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति की जो संख्या 1000 से अगर ज्यादा होगी तो उसी प्रखंड में एक से अतिरिक्त यानी कि अनुसूचित जनजाति के कोटे में भी योजना का लाभ दे दिया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति से अगर संख्या एक प्रखंड में 1000 से ज्यादा होगा तो यानी 2 कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट कर दिया जाएगा उसी जाति के। अब बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर बताया गया 2 अनुसूचित जाति वर्ग से और 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग से और 1 पिछड़ा वर्ग से और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से होगा, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटी में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 7 कैंडिडेट हो गए हैं, कौन से थे, 2 अनुसूचित जाति से और 2 अत्यंत पिछड़ा से और 1 पिछड़ा वर्ग से, कितना हो गया था 5, और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से हो गया, जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आवेदक केवल इसी कोटी में आवेदन कर सकता है, और 1 जो कैंडिडेट होगा 1 लाभुक सामान्य वर्ग से हो गया, जो कि उपरोक्त कोटी में से नहीं आते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ग से अगर आप आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन, टोटल 7 कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर, बताया गया वाहन के 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप बस खरीद लेते हैं तो आप सोच रहे हैं कि 2 साल चलाकर बेच दे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के बिना आप किसी गाड़ी को कहीं भी नहीं बेच सकते, ये आपको ध्यान रखना है 5 वर्षों तक। बात किया गया वाहन के 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित स्वीकृति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा।
बस पारिवारिक उत्तराधिकार के तहत हस्तांतरित हो सकेगी। यदि बस की खरीद किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेकर किया गया तो अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान से ही किया जाएगा। लाभुक के आवेदन करने की जो तिथि होगी 18 वर्ष से कम होना चाहिए। अगर आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे, और उसके पास जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, और उसे सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए। अगर आप बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं, आप मैट्रिक या इंटर स्नातक पास हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आपका उम्र 18 वर्ष है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक उसी प्रखंड का निवासी होना चाहिए। जिस प्रखंड में अगर आप लाभ ले रहे हैं उसी प्रखंड का आपको निवासी होना चाहिए। नहीं तो आप सोच रहे हैं दूसरे प्रखंड में जाकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी प्रखंड के अगर आप है तो आप इसके आवेदन कर सकते हैं। बस यही बात है। अब ऑनलाइन आवेदन है तो आपको क्या कौन से दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, तो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और चालान अनुज्ञापित आपको देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अब जो भी आपका सिलेक्टेड जो कैंडिडेट किए जाएंगे तो उसमें बात है कि योजना के तहत आवेदन तो प्राप्त होगा ही होगा। एक प्रखंड में लगभग 400 से 500 फॉर्म गिरेगा, लेकिन इसको लेकर सिलेक्टेड जो प्रक्रिया होगा मैट्रिक के आपको जो भी मार्क्स के आधार पर होगा। अगर आप मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर आए हैं उसी के मार्क्स के आधार पर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिस भी प्रखंड के अंतर्गत आप आवेदन करेंगे। तो उसका अगर आप अच्छा खासा मार्क्स लाते हैं तो आपका चयन किया जाएगा। उसके बाद चयन होने के बाद आपको जिला पदाधिकारी के द्वारा भी चयन किया जाएगा, उप विकास आयुक्त के द्वारा भी चयन किया जाएगा और जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा भी चयन किया जाएगा। उसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो फुल नोटिफिकेशन हम आपको लगभग पढ़कर दिखला दिए। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो यहाँ से समझ सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। जो भी मेन बातें थे हम आपको बता दिए। अब इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना, तो फिर से आपको परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल पे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को फॉर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब ओके का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ओके का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के यानी कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको पासवर्ड बना देना है अच्छी तरह से, जो भी आपका पासवर्ड है। उसके बाद ईमेल आईडी इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस इसमें डाल देना है, ठीक है, यानी कि जरूरी बात है क्योंकि पहले ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए हम सारा चीज प्रक्रिया भरकर उसके बाद रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया बताते हैं। उसके बाद सारा प्रक्रिया भर के उसके बाद रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा, हम सिक्योरिटी पर्पज के लिए मोबाइल नंबर और अपना ड्राइविंग लाइसेंस ब्लर किए हैं। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, रजिस्टर सक्सेसफुली क्लिक लॉग इन टू फिल योर फॉर्म, इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉग इन की यहाँ पे साइड में देखेंगे तो लॉग इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो कि अभी अभी आप रजिस्टर करते समय आपको अपना मोबाइल नंबर जो दिए हैं उसे जो भी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा जो दिखाई दे रही वाला कैप्चा इसमें डालकर लॉग इन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको आ जाएगा, जहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। देख सकते हैं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, तो आपको इसमें फर्स्ट नेम भरना पड़ेगा, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम लाल बाबू कुमार है, चाहे लाल बाबू राम है, चाहे जो भी है, आप इसमें लाल और बाबू इसमें राम लिख देते हैं, नहीं तो कुमार लिख सकते हैं। आपको फर्स्ट मिडिल नेम लिखा। अगर आपका रोहित कुमार जैसे नाम है, चाहे पिता या पति के या हस्बैंड नेम लिख देना, तो जो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख दीजिएगा। विलेज आपको कहाँ पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बाद ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस ब्लॉक के अंतर्गत आप लाभ लेना चाहते हैं या आपका ब्लॉक कौन सा है, आप इसमें ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा। पंचायत कौन सा पड़ता है, तो उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी पंचायत होंगे सभी पंचायत का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा अच्छी तरह से इसमें पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको मेल फीमेल है या अदर है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी का आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, एससी एसटी ईबीसी बीसी आपको जो भी है आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा कैटेगरी। उसे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा इसमें कैलेंडर में सेलेक्ट करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरीके से सारा डिटेल्स आपको भर देना है। उसके बाद नीचे क्यों आएंगे तो यहाँ पे बताया गया, यदि आप अपना डीएल नंबर ठीक करना चाहते हैं तो क्लिक करें, अगर नहीं करना चाहते तो रहने दें। यानी आपने डीएल नंबर जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो डाला, अगर आपको लगता है किसी प्रकार गलत हो गया है तो आपको यहाँ से सुधार भी सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। अगर नहीं है तो सही है तो आपको यहाँ पे रहने देना। उसके बाद आपको आधार नंबर आपको डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी देना है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें तो बोला गया मैट्रिक पास, तो अगर आप इंटरमीडिएट भी है या ग्रेजुएशन भी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मैट्रिक का भरना है डिटेल्स, इसमें मैट्रिक का क्लिक करके तो बोर्ड का आपको नाम देख देना है, जो भी आपको बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं या इंटरमीडिएट जो भी बोर्ड से पास किए हैं या ग्रेजुएशन, आपको इसमें बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जो भी इसमें सेलेक्ट करके आपको डिटेल्स भर देना है। उसके बाद परसेंटेज कितना मार्क्स था इसमें भर देना है, जो भी बोर्ड से पास किए तो बीएससी भी लिखकर, उसके बाद आपको परसेंटेज आपको लिख देना है कितना परसेंटेज आपका मार्क्स आया था। उसके बाद इंटरमीडिएट का भरना चाहते हैं तो इसी तरह भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक आउट करने का ऑप्शन मिलेगा, यदि सहयोग श्रेणी में एक से अधिक
आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन समर्पित कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर आप एक से अधिक यानी अगर कोई आपके साथ और पार्टनरशिप में है तो अगर उनका भी नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं जोड़ना चाहते तो इसे ऑन टिक ही रहने देना है, ठीक है। अगर आपको जोड़ना चाहते हैं तो इस पे आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सभी आवेदक बीसी पिछड़ा वर्ग श्रेणी से है। यानी अगर एक से अधिक आदमी को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि सभी आवेदक बीसी यानी पिछड़ा वर्ग या श्रेणी से है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर यस है तो इस पे क्लिक कर आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑप्शन मिलेगा कि सभी आवेदक ब्लॉक जिला प्रखंड के है, यानी कि एक ही ब्लॉक या जिला प्रखंड के है तो आपको हाँ करना है, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर नो करेंगे तो आपको कुछ और डिटेल्स भरना पड़ेगा, अगर एक ही जिले के है एक ही प्रखंड के है तो आपको यस करना है। यहाँ पे आप सभी आवेदकों का नाम आपको अंकित कर देना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इसमें जुड़ रहे हैं तो उनका नाम आपको लिख देना है, स्लैश दे देकर आपको जितने भी कैंडिडेट हैं आपको इसमें नाम दे देना है। उसके बाद इस पे आपको क्लिक कर देना है। लगता है अकेले करना है तो अकेले करने के लिए आपको इस पे ऑन टिक ही रहने देना है, ठीक है। अगर आप सिंगल पर्सन है सिंगल आपको लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे ऑन टिक ही रहने देना है। उसके बाद इस पे आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप अकेले करें तो इसे ऑन टिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगी, इस पे आपको टिक आउट करके सेव या नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने की सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जहां पे आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यहाँ से पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करके उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपको चुनकर उसका भी आपको मार्कशीट जो भी होगा वो अपलोड कर उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। भर कर इसमें आपको जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं निवास प्रमाण पत्र का इस पे आपको क्लिक कर सभी अपलोड कर दिए, जमा करने का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे जमा करने के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उस रेफरेंस नंबर को नहीं तो आपको जो भी पीडीएफ है इसका डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का तैयार होगा जिले के द्वारा आपके ब्लॉक में इसका लिस्ट भेज दिया जाएगा, जाकर आपको अपने ब्लॉक में पता लगा लेना है कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है, उस तरीके से आगे प्रक्रिया हो जाएगी। थोड़ा इसमें समय लग सकता है लेकिन काम आगे की आपका होगा, तो जाके आपको पता लगाते रहना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग को इसके बारे में जानकारी मिल सके।